माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। आज हम इस वीडियो में क्यूंग पोस्ट ट्रस्ट के विषय में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 9 मीटर से अधिक तथा 14 मीटर से कम पार्ट वाले ट्रस्ट को क्यूंग पोस्ट ट्रस्ट कहते हैं। क्यूंग पोस्ट ट्रस्ट में मुख्यतः 2 क्यूंग पोस्ट होते हैं जो आपको हम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हमारे इसमें 2 मुख्य क्यूंग पोस्ट होते हैं तथा इसमें 2 स्ट्रट होते हैं तथा 2 प्रिंसिपल राफ्टर तथा 2 कॉमन राफ्टर होते हैं। इनके मान जैसे हमारे हो गए, क्यून पोस्ट का जो हमारा वैल्यू होता है ये 12.10 तथा प्रिंसिपल राफ्टर की वैल्यू 12.18 तथा स्टैंडिंग बीम का 15.12 तथा कॉमन राफ्टर का 10.5 तथा हमारे जो पर्लिन होती है, पर्लिन हमें क्या होता है कि हमारा प्रिंसिपल राफ्टर तथा कॉमन राफ्टर के बीच में सपोर्ट का काम करती है। ये कॉमन राफ्टर को क्या करती है, एक प्रकार से सपोर्ट करती है। और इसमें एक क्लिट लगी होती है जिसकी वैल्यू होती है 10 × 8 × 2.5। एक क्लिट हमें पर्लिन की हमारे सहारा देती है। अब इस ट्रस को बनाते समय हमें सर्वप्रथम पहले एक स्केल मान लेनी चाहिए। माना हमारी स्केल 1/50 है। तब जैसे अगर 12 मीटर पार्ट के लिए अगर हम कर रहे हैं तो हमारा 12 को हम क्या करेंगे, पहले मीटर को सेंटीमीटर चेंज करेंगे। तो मीटर अगर 100 सेंटीमीटर बाई 50 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 24। तो हमारा 24 क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम 24 सेंटीमीटर का डैश डैश करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे तथा ये जो हमारा टाई बीम है ये एक पार्टों पे क्या है, अलंबित है। तो हमारे जो पार्ट की हमारी वैल्यू है, मान लीजिए अगर 40 सेंटीमीटर हमारी दीवार है तो ये कितना हो जाएगा, रेशियो चेंज करने में हमारा 8 mm हो जाएगा। तो 8 mm दूरी और बढ़ा लेंगे, 8 mm दूरी से बढ़ा के अपनी इस वाल को हम क्या करेंगे, अपने यहाँ के वाल आप देखिए इस वाल को हम नीचे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से 1 सेंटीमीटर या फिर 2 सेंटीमीटर नीचे हम बढ़ा लेते हैं दोनों तरफ। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसी डॉटेड लाइन को यहाँ से हम 30 एंगल लेते हैं। ठीक है, इस मतलब इनकी मिडिल से डॉटेड लाइन का 30 एंगल लेते हैं एक, फिर यहाँ से भी एक हम इस पॉइंट से क्या करते हैं 30 का एंगल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इस पॉइंट को मिला देते हैं और हमारे टाई बीम, मान लीजिए हमारा टाई बीम क्या है, यहाँ 12/12 को क्या करते हैं, 12 हमारा एक्चुअल वैल्यू, इसको चेंज करेंगे कितना, हमारा 24 हो जाएगा। 24 का अगर हम डिवाइड करें थर्ड पार्ट में तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 का हो जाएगा। तो 8 पॉइंट पर हमारा आ जाएगा, 8 पॉइंट पर यहाँ हमारे क्या लगेगा, क्यून पोस्ट। तो क्यून पोस्ट क्या करेंगे, यहाँ से हम डॉटेड एक रेखा उठा देंगे, फिर यहाँ से एक रेखा इसमें उठा देंगे। ठीक है, फिर हमें दी गई हमारे पर्लिन की वैल्यू ये होती है 12 × 8, 12 को चेंज करेंगे हमारा क्या हो जाएगा, 24 हमारा क्या 2.24 mm हो जाएगा। ठीक है, नहीं 2.4 mm हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम अपना 3 mm मान सकते हैं। तो उसे क्या करें, 1.5 इस साइड 1.5 लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ऐसा हम कर लेते हैं। ठीक, फिर यहाँ पर क्या करते हैं, इसको कुछ दूरी उठा दें यहाँ से, यहाँ हमारे जो होती है 35 सेंटीमीटर होती है अधिकतम, यहाँ से मतलब 7 mm दूरी पर क्या करते हैं, हम 30 का एक एंगल ले लेते हैं, उसको भी डॉटेड रेखा कर लेते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, वही उसी तरह से यहाँ से 35 है तो हमारे इसको एड्रेस चेंज करेंगे तो 7 mm हो जाएगा। 7 mm को भी यहाँ से भी हम एक पॉइंट उठा लेंगे। फिर चूँकि हमें स्टेट की वैल्यू दे दी गई है 10 × 6, ये क्या हो जाएगा, हमारा 2 mm हो जाएगा। 2 mm चौड़ाई को ले जाकर यहाँ पर मिला देंगे, 2 mm चौड़ाई को ले जाकर इसमें मिला देंगे। ठीक है, फिर इस चीज़ को यहाँ मिला, ये हमारा होता है स्टैंडिंग बीम जो हमारे क्या करता है, इससे ऊपर इन दोनों को सपोर्ट करता है। तो स्टैंडिंग बीम की जो वैल्यू होती है 15 × 12, तो 15 × 12 जो हमारा होता है, इसमें 15 को अगर हम चेंज करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 3 mm। तो 3 mm मोटाई ले लेते हैं। ठीक है, इसमें जो आपको ये दिख रहा है ये हमारे बोल्ट होते हैं जो हमें इन तीनों जो हमारे यहाँ पार्ट हैं इनको हमारे क्या करता है, आपस में बांधे रखता है। ये प्रकार से हमारा ये कब्जे का कार्य करता है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या करते हैं, जहाँ पर हमारा स्ट्रट है, स्ट्रट से हमारा क्या है, परपेंडिकुलर हम यहाँ से रेखा खींचते हैं। ये जो हमारा पर्लिन है, पर्लिन हमारा क्या है, 20 × 10 मतलब 4 mm ऊपर, और यहाँ से 12 है तो मतलब 12 × 24 हो जाएगा, मतलब 3 mm चौड़ाई में। इसको क्या करते हैं, ऊपर उठाते हैं अपना पर्लिन। ठीक है, फिर इसमें क्लिट लगाते हैं, 10 × 10 ये हो जाएगा, 8 ये हो जाएगा हमारा, और यहाँ 2.5 करके हमारी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम क्लिट लगा लेते हैं सही। फिर क्लिट से यहाँ हमारा लगता है राइज लगता है, राइज का वैल्यू होती है 20 × 4। ठीक है, तो 20 × 4 जो हमारा होता है ये, तो 20 चेंज करेंगे तो हमारा ये 4 हो जाएगा, तो 4 हट जाएगी, 2 इंच की मोटाई मतलब 1 mm इनकी मोटाई करके ये हमारा 4 इंच की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ से हम इसके परपेंडिकुलर अपना ये प्रिंसिपल राफ्टर बना लेते हैं। जैसे देखिए ना, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से MD रख के अपनी, जैसे देखिए यहाँ पर अपनी हम MD रख के इसको परपेंडिकुलर बना लेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर, अब चूँकि इसकी भी मोटाई हमारी कितनी है, हमें दी गई है आपको यहाँ पर कॉमन राफ्टर की हमारी वैल्यू होती है, यहाँ पर देखिए आप
टेन इंटू फाइव दी गई है, ठीक है। 10 × 5 हमारे क्या हो जाएगा, 2 mm हो जाएगा। तो 2 mm मोटाई की यहाँ से हम खींच लेंगे और इसके बीच के भी हमें डॉटेड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके ऊपर 2 mm और मोटाई लेके इसके ऊपर अपना हमें टाइल्स लगा दें। टाइल्स लगाने के लिए क्या करते हैं, जैसे अगर हम एक एक mm पे एक एक सेंटीमीटर पर हम इसे लगा लें यहाँ पर पॉइंट करके, इसको 5 उठा लें तो 3 ये हो जाएगा और ये हमारा 2 इसमें हो जाएगा। तो फिर इसको क्या करें, इस वाले पॉइंट को लाके यहाँ पर, इस वाले पॉइंट को यहाँ पर, इस वाले पॉइंट को लाके यहाँ पर, इस तरह मिला के और हम क्या टाइल्स लगा लेंगे। और ये 25 सेंटीमीटर का हमारा क्या होता है, राइस कवर होता है। मतलब अपने इसे फ्री हैंड कर लेते हैं, क्योंकि या तो चाहो आप तो दुबला प्रकार लगा सकते हो या फिर अगर कोई चीज़ लगा सकते हो, बट हम फ्री क्या करते हैं, फ्री हैंड ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देते हैं। और यहाँ पर क्या लगाते हैं, स्टैंडिंग सील, इन दोनों का आपस में सपोर्ट के लिए स्टैंडिंग सील लगाते हैं। और ये जैसे हमारा जो ये क्यून पोस्ट है, क्यून पोस्ट हमारा टाई बीम में 1 mm अंदर धंसा रहता है, ठीक है। और इसको भी सपोर्ट के लिए हम क्या लगाते हैं, वो बोल्ट की तरह लगाते हैं यहाँ भी, ठीक है। इसमें 3 नट होते हैं, सही। फिर क्या करते हैं, इस दोनों को आपस में बांधने के लिए यहाँ पर भी डाई बोल्ट लगाते हैं। डाई बोल्ट की वैल्यू यहाँ होती है इसका 2 mm डाई, देखिए 2 mm होता है, ठीक है, इसका डायमीटर जो होता है हमारे इस बोल्ट का, ठीक है। फिर हम क्या लगा, फिर हमारा यहाँ से हो जाता है वाल प्लेट। अब जैसे यहाँ पर हमारा कॉमन राफ्टर है, यहाँ इस साइड में इसको सपोर्ट के लिए क्या करते हैं, वाल प्लेट। जैसे देखिए हमारी यहाँ पर वाल प्लेट आपको दिख रही होगी, तो वाल प्लेट क्या करते हैं, इस पॉइंट से भी आप ऊपर उठा सकते हैं या तो फिर यहाँ से इसकी वैल्यू अपना रखिए, तो यहाँ से 3 mm यहाँ पर कर लें या तो फिर पूरा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इस पर, ठीक है। आप यहाँ से अपना काम कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ हमारा जो है 5 cm, मतलब चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा, जैसे 5 cm है तो हमारा मान लीजिए 2 या 3 mm ऐसे आ जाएगा, तो हमारा ये कंक्रीट स्लैब हो जाता है, ठीक है। तो 5 mm लगा लेते हैं और यहाँ पर भी, और इसको ऐसे देखा इस तरह बना देते हैं जिससे कि हमारा अभी जो हमारा आलम है वो नीचे बन रहा है, लेकिन हमें नीचे बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या अगर चाहें तो अपना बना सकते हैं, ठीक। तो मैं आपको एक बार फ्री हैंड अपने हाथों से बना के देख रहा हूँ। तो पहले हमें क्या करना होता है, पहले एक डॉटेड रेखा खींचनी होती है, फिर इनके आलम्बों की रेखा आगे बढ़ानी पड़ती है, फिर यहाँ से हमें इनके आलम्बों का मान देना पड़ता है, फिर इनके आलम्बों का मान दे दिए, फिर इसको हमारा मान लीजिए कितना पॉइंट दिया गया, यहाँ से हमारा दिया गया है 26.12, ठीक है, 26.12 दिया गया। तो इसको हम क्या करेंगे, हमारा 3 हो जाएगा, 3 mm ले लेंगे, 1.5 नीचे, वन मान लीजिए ये 6 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा, 3 नीचे 3 ऊपर, ठीक है। इस प्रकार से हमने कर लिया, इसको यहाँ पर पॉइंट लिया। अब यहाँ से हमारा 5 हो जाएगा, यहाँ से ये 5 हो जाएगा, तो इसको मान लीजिए अपना बना ली। फिर इनके बीच का डॉटेड, इनसे बीच का डॉटेड करेंगे, फिर यहाँ से अपना 30 एंगल पे डॉटेड रेखा खींच लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, 30 एंगल पे एक डॉटेड रेखा खींच लेंगे। फिर यहाँ, फिर देखिए हमारा क्या है, ये चूँकि हमारा ये क्यून पोस्ट है, तो इनके हमारे क्या होते हैं, 2 क्यून पोस्ट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे, बराबर बराबर भागों में। तो हमारे जहाँ पर आइए, मान लीजिए हमारा 12 है, तो हमारा ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, वेट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको डॉटेड लगा लिए, ठीक है। अब इस पॉइंट से हमारा 7, मतलब 35 सेंटीमीटर होता है, तो हमारे ये 7 mm हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या, 30 एंगल ले लेना है, यहाँ से भी 30 एंगल ले लेना, ठीक है। अब इन पॉइंटों को ऐसे ले आके हमें आपस में मिला देना है, ठीक है। हम फ्री हैंड बना रहे हैं, जब आप बनाओगे तो अच्छा बनेगा आपका, ठीक है। तो ऐसे आप कर लोगे, तो यहाँ से आपकी स्टैंडिंग बीम हो जाएगी, यहाँ ये ऊपर इस चीज़ को आप पॉइंट मिला लोगे ऊपर तक, और यहाँ से ये आपकी मिल जाएगी, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि शायद आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे ही फ्री हैंड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें। और फिर पर्लिन हमारी क्या होती है, जैसे हमारे यहाँ पर पर्लिन दी गई है 20 × 12 की, ठीक है। 20 × 12 की अभी यहाँ करेंगे, हमारा ये 4 ऊपर और हमारा 3 ये उपजाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्लिट लगाते हैं इस तरह से कुछ, ठीक है। यहाँ पर भी हमारी पल्ली लग जाएगी, फिर यहाँ से हमारा क्लिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम कॉमन राफ्टर लगाते हैं, इसके कॉमन राफ्टर की जो हमारी वैल्यू है वो 10 × 5 है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 mm इसकी मोटाई हो जाएगी, तो 2 mm मोटाई ले लेंगे। और इनके बीच में भी हम डॉटर लगा लेते हैं, ठीक है, यहाँ से भी हम ले लेंगे, और इसी हमारे पल्ली से ही पैरेलल होगा ये चीज़, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, राइज कवर दे देंगे, और 2 mm हम ले लेते हैं वो लगाने के लिए टाइल्स, ठीक है। तो मान लीजिए हम हमारी इसे पर लगाना है, टाइल्स लगानी है, तो 1 mm अगर यहाँ से हम 1 mm दूरी ले लें, एक सेंटीमीटर दूरी अगर ले लेते हैं, तो हमारी इसे फिगर भी अच्छा दिखेगा और बन भी जाएगा। यहाँ से उसको 5 ये दूरी कर लें, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 5 कर लें, यहाँ से यहाँ तक 1 cm कर लें, और इस वाले पॉइंट लेकर नीचे वाले में मिला देंगे, तो हमारा इससे क्या बन जाएगा, जो हमारे टाइल्स है टाइल्स से बन जाएगा। इस तरह से हम इस साइड भी कर लेंगे यहाँ से, और इन पॉइंटों को थोड़ा ऐसे लाइनिंग कर देते हैं जिससे हमारी इसकी शोभा बढ़ जाती है, ठीक है। और यहाँ पर हम इनको बांधने के लिए इनका बोल्ट का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। बोल्ट का जो डायमीटर होता है 2 mm होता है, और यहाँ पर
जो हमारा लगता है वॉल प्लेट 15x10 का, इसको भी हम यहाँ पर लगा लेते हैं, इसको भी लगा लेते हैं। और यहाँ से 5mm नीचे करके यहाँ से हम गटर लगा लेते हैं, ठीक है, इसमें हमारा वाटर क्या होता है आगे इकट्ठा हो जाएगा, सही। तो इतनी चीज़ें हो गई। अब इनको बांधने के लिए हमारे क्या यहाँ पर बोर्ड लगते हैं, तो बोर्ड लगाने का तरीका ऐसे करके आप नीचे कर लोगे, यहाँ से मान लीजिए 1-1 mm, 1-1 cm आप अंदर करके बाहर करके लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ भी आप लगा सकते हैं, इसको आपको कितना 1mm अंदर लाना है, इसको भी 1mm। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को क्यून पोस्ट शायद समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।